जिंदगी चल रही थी मजे में और ऐसी चलती सालों साल। दिक्कत तो तब हुई जब हम खुद काट ली घर बना। ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है सर? जैसे आपने कहा, राजेश टैगोर ने भी कहा, जिंदगी चल रही थी मजे में, ऐसी चलती रही सालों साल। दिक्कत तो तब हुई जब खुद ही काट दी घर बना। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि 1985 में मैंने अपनी जिंदगी को शुरू कर दिया एज ए सेल्स प्रोफेशनल और सन 2000 तक 15 साल तक जिंदगी चल रही थी मजे में और ऐसी चलती रहती सालों साल, यू नो। लेकिन दिक्कत तो तब हुई जब ऑन द 10th of Feb 2000, यू नो, इन द आफ्टरनून एट 3 o'clock हमने खुद ही काट दी गर्भनाल। तो हमारे ऊपर बहुत सारे लोग थे जो हमको सपोर्ट करने वाले थे। जब हम सेल्समैन थे तो हमारे ऊपर ग्रुप लीडर थे, सुपरवाइजर थे, ब्रांच मैनेजर्स थे, डिप्यूट डिविजनल सेल्स मैनेजर थे, डिविजनल सेल्स मैनेजर थे, एरिया सेल्स मैनेजर थे, रीजनल सेल्स मैनेजर थे, उसके ऊपर डीजीएम था, जीएम था, वीपी था, प्रेसिडेंट था, इनोम सीनियर प्रेसिडेंट था, सीईओ था, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, ऐसे कई लोग थे जो एक सेल्समैन और सेल्स मैनेजर की जिंदगी को ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड जो गर्म नाल है उसको पकड़ के रखे हुए थे और हमारी मस्त चल रही थी। लेकिन फिर हमने डिसाइड कर दिया कि हम तो धंधे वाले बनेंगे, हम तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे, हम तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और ये ताव में आके हमने कर दिया ऑन द 10th of Feb 2000 इन द आफ्टरनून एट 3 o'clock, 3:01 को हमने स्टार्ट किया और खुद ही काट दी हमने गर्म नाल। यही तो हम सिखाने वाले हैं कि हमें दो डिसीशन लेना पड़ता है। जब हम बिजनेसमैन बनते हैं हमें दो डिसीजन लेना पड़ता है और वो दो डिसीजन लेके हमें गर्भनाल जो हमारा कनेक्टिंग पॉइंट है, जो हमको डायरेक्शन देता, गाइडेंस देता, मोटिवेशन देता, उनको सबको काट के हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है। ये दो डिसीजन हम एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन का गुरुकुल को 29th, 30th and 31st of August 2019 हम इसके बारे में बात करेंगे। खास करके आप ये बोल रहे हैं कि जब आप नौकरी करते हैं तो आपके पूरा चेन ऑफ कमांड रहता है, बिल्कुल, जो आपको कंप्लीटली प्रोटेक्ट करता रहता है, आपको विजडम देता रहता है, आपको गाइडेंस देता रहता है, कंटिन्यूअसली आपका अपग्रेडेशन का ध्यान रखता है। एब्सोल्युटली, जिस दिन आप खुद आपको डिरेल होने ही नहीं देते हैं, आप मतलब गलत सोचने के पहले या गलत सोच भी लिया तो भी आपको पटरी पे चढ़ा देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको आपको देखते हैं कि निराश तो नहीं हो रहा है, आपको देखते हैं हताश तो नहीं हो रहा है, आपको देखते हैं कि इसका ऊर्जा तो कम नहीं हो रहा है, इसको कैसे इंस्पायर करके रखे। लेकिन जो दिन हम धंधे वाले बनते हैं वो दिन ना ऊर्जा देने वाला कोई है, ना डायरेक्शन देने वाला कोई है, ना गाइडेंस देने वाला। गए गड्ढे में गए तो भी ठीक है, नहीं गए तो भी ठीक है, हम बर्बाद हो गए, आबाद हो गए, हमने सही किया गलत किया, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम डीरेल हो रहे हैं, हमें बताने वाला रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, तो फिर कौन सा वो डिसीजन है जो हमें लेना पड़ेगा जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल लगातार रह सकते हैं। आज 19 साल हो गए हमें अपना कंपनी को चलाते हुए, आप भी हमारे साथ 19-20 साल से जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और कर रहे हैं। और वही दिन था आज से 19 साल पहले गर्भ नाल काट दिया था, अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया था, तब काटने के टाइम पे दो डिसीजन लिया था। और हम में से हर आदमी जो दिन बिजनेसमैन बनता है, हम में से हर इंसान को वो दो डिसीजन लेने हैं। और जो वो डिसीजन लेता है वो कभी भी एंटरप्रेन्योर का चक्र में नहीं पड़ता है। और यही सब तो सीखने वाले हैं हम लोग। सो 29th, 30th and 31st August एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन का गुरुकुल आज ही एनरोल करिए।